हेलो स्टूडेंट, मैं प्रियंका शर्मा आज आपको एटॉमिक मास और मॉलिकुलर मास के बीच क्या डिफरेंस होता है उसे मैं बताने जा रही हूँ। जैसे आपको पता होगा, एटॉमिक मास एटम नंबर के डबल होते हैं, पर कुछ एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर के डबल ना होकर उससे अबव होते हैं कुछ वैल्यू। जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है तो उसका डबल 16, कार्बन का 6 होता है तो उसका डबल 12। लेकिन कुछ ऐसे भी एटम होते हैं जिनका एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर का डबल नहीं होता। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है लेकिन उसका डबल 22 ना होगा 23 है। ये एक तरह से ट्रिक है और फार्मूला भी है, तो फार्मूला याद करने में बहुत टाइम लगेगा एटॉमिक मास का। इससे अच्छा आप ये ट्रिकी वे में याद कर लो, ज़्यादातर डबल होता है और जो डबल नहीं होते उनका याद कर लीजिए। भी एक दो एक्स्ट्रा भी मेन होते हैं। आगे हम मॉलिकुलर मास को पढ़ते हैं। मॉलिकुलर मास CH4 यानी मैथेन। जब हम CH4 का मॉलिकुलर मास निकालेंगे तो हमें कार्बन का और हाइड्रोजन का दोनों का एटॉमिक मास पता होना चाहिए। तो कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 और हाइड्रोजन का 1 × 4, तो इससे आप अपना 16 एटॉमिक मास मॉलिकुलर मास निकाल सकते हैं। CH3COOH यानी एसिटिक एसिड का मॉलिकुलर मास। तो आपको इन सब के एटॉमिक मास पता होने चाहिए। तो कार्बन का 12 प्लस 3 × 1, इसलिए क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन की वैल्यू, हाइड्रोजन के एटम 3 हैं, तो 3 × 1 इसका हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है। फिर से प्लस कार्बन, कार्बन का 12, फिर प्लस, फिर 16 क्योंकि ऑक्सीजन के एटॉमिक मास 16 हो जाता है। फिर उसके बाद फिर से प्लस, फिर प्लस 16, फिर प्लस 1 क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है। और इन सबको प्लस करेंगे तो 60 निकल के आएगा। ऐसे ही H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड में वही प्रोसेस होगा, सभी में वही प्रोसेस होगा। 1 यानी 1 होता है हाइड्रोजन का एटॉमिक मास × 2 क्योंकि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल है। प्लस 32 क्योंकि सल्फर का एटॉमिक मास 32 है। प्लस 4 × 16 ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर मास हो गया × 4 16 ऑक्सीजन का एटॉमिक। स्टूडेंट मुझे लगता है आपको ये आसानी से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में और एक्सर समझाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।